Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. Those who are new here and have not watched my previous videos, please go in my description box to find that videos link and watch that videos related to these chapters, and do like, share and subscribe for more updates, and never forget to click the bell icon for new notification. So let's start our class. Dear friends, in this class today we will discuss the complete notes on simple present tense. Okay, today we will discuss the complete notes on simple present tense. And as we have already discussed the complete introduction of tenses in our previous classes, and also we have discussed the different form of tenses. That one is your simple and progressive, perfect and perfect progressive. So dear friends, today we'll discuss the complete notes on simple present tense. Okay, this class will be more effective for your new knowledge on simple present tense. So first of all, I will discuss with you the complete structure, and then after I will discuss with you the complete uses. Okay, complete uses के बारे में हम लोग discuss करेंगे. तो चलते हैं, first हम complete उसका structure के बारे में discuss करेंगे. तो स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का, फर्स्ट वी हैव टू नो द डिफरेंट सेंटेंसेस. हम सेंटेंसेस के बारे में पहले जानते हैं कि इन इंग्लिश यू मस्ट हैव नो अबाउट इट, द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. ये तो आप लोगों को पता होगा. अगर नहीं है तो मैं न्यू क्लास में और एक बार एक तो क्लास करके मैं भेज दूँगा आपके पास. तो प्रेजेंट टेंस के बारे में आज डिस्कस करते हैं. तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी भार, ओके, वट एवर मे बी द भार, रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम. अगर प्रेजेंट टाइम को कोई इंडिकेट करता है, रिफर्स करता है, तो वो होगा तुम्हारा प्रेजेंट टेंस. ओके, वो होगा तुम्हारा प्रेजेंट टेंस. तो आज के क्लास में पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में. ओके, जो प्रेजेंट टेंस की सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो फर्स्ट फॉर्म है. ओके, प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट फॉर्म जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं वही आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा. तो ये शायद क्लास आप थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन इट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर योर नॉलेज. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे, और उसका पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वो स्ट्रक्चर क्या होगा. देखो, ऑलरेडी मैं कुछ नोट्स यहाँ आप लोगों के लिए तैयार करके रखा हूँ. तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वी वन एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. ये आप लोग नोट कर लो, अच्छे से आप लोग नोट कर लो. सब्जेक्ट प्लस वी वन, उसका वी वन इट्स मीन्स भार का फर्स्ट फॉर्म, जो वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर. ओके, इसी तरह जो भार का जो फॉर्म होता है, जो वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर, जो भार फॉर्म है, जो वी वन सपोज गो, वी टू क्या होगा वेंट, ओके, वी थ्री क्या होगा गॉन होगा, और वी फोर तुम्हारा होगा कोई. जो फॉर्म है, तो सब यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वो स्ट्रक्चर क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा प्लस वी वन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स एस और ई एस एड कर सकते हो. ओके, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ये होगा तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ओके, इन द क्विज सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होगा. तो नेक्स्ट देखो, मैं कुछ एग्जांपल लिखा हूँ यहाँ पे कि आई हिट द बॉल. ओके, आई हिट द बॉल. तो यहाँ पे देखो, जो फास्ट तुम्हारा जो सेंटेंस है, ये जो तुम्हारा फास्ट सेंटेंस है, ये तुम्हारा एफर्मेटिव सेंटेंस है. ये एफर्मेटिव सेंटेंस का आई हिट द बॉल, यहाँ पे क्या है कि ये हिट, ये तुम्हारा भार है. ओके, ये तुम्हारा आई हो गया, तुम्हारा सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट हो गया आई हिट द बॉल, उसके बाद द बॉल हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट. ओके, यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट आ गया. तो इसी तरह देखो, नेक्स्ट सेंटेंस,
शी गोज टू द स्टेशन, और नेक्स्ट और एक देखो, हरी ड्राइव्स ए कार, यू राइट ए लेटर, दे प्ले बैडमिंटन. सो एज फॉर सेंटेंसेस के हिसाब से यू विल फाइंड. ओके, तो जो सब्जेक्ट के पास वी वन और एस और यस ऐड कर सकते हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ये उसका एग्जाम्पल्स है. और मैं यहाँ पे लिखा हूँ, और एक नोट्स में लिखा हूँ कि यूज ऑफ एस और यस विद द वर्ब, दैट वन इज सीता सिंग्स ए सॉन्ग, देन ही राइट्स ए स्टोरी, रीना स्पीक्स इंग्लिश. ओके, उसके बाद ही गोज टू मार्केट. नोट कर लो यहाँ पे कि एस और यस इज यूज विद द वर्ब इन द सेंटेंसेस फेयर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन. ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, कि यू कैन यूज एस और यस. आप लोगों को पता चल चुका होगा. ओके, एस और यस कहाँ पे लगाना है, कि यू हैव टू यूज वेयर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो हम बोलते हैं. ओके, सो नोटेड डियर फ्रेंड्स, एस और यस इज यूज विद द वर्ब इन द सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन. ओके, ये अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है. ओके, नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. ओके, हम लोग अभी देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस हम अभी देखेंगे. तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑलरेडी आई हैव रिटन सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डजंट प्लस व्यू वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका स्ट्रक्चर है. ये हो गया उसका स्ट्रक्चर है. तो स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा. पहले क्या होगा कि पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डू नॉट और डजंट प्लस वी वन, उसके पास ऑब्जेक्ट होगा. तो आप लोगों के लिए मतलब कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि बहुत आसानी हो जाएगा. ओके, तो देखो ये है उसका एग्जांपल. तो एग्जांपल में क्या है, फर्स्ट वन, आई डू नॉट राइट वेल, आई डू नॉट राइट वेल, ही डजंट कंप्लेन टू हिज टीचर, राज डजंट प्ले बास्केटबॉल, दे डू नॉट गो टू द चर्च, रीता डजंट अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, इट डजंट वर्क प्रॉपरली. ये हो गया उसका एग्जाम्पल. ओके, ये हो गया उसका एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस का. ये इतना सारा है, ये एग्जाम्पल है. अगर आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप नोट्स करो, बहुत अच्छा होगा. तो नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग को बहुत ईजी होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड आउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, यू मस्ट हैव सीन दिस टाइप ऑफ, ओके, दिस टाइप ऑफ मार्क्स और वन सिंबल, दैट वन इज द सिंबल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंबल है. तो देखो इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं. तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है. ओके, ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. ओके, ये हो गया तुम्हारा एग्जांपल. देखो मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ यहाँ पे. डू आई प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क है. डू यू स्पीक द ट्रूथ, डू यू सिंग वेल, डज ही राइट, डज सी रन, डज मिलन डांस, डज इट मूव. ये हो गया तुम्हारा जितना सारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल. ओके, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो. तो नेक्स्ट देखते हैं उसका स्ट्रक्चर ऑफ नेक्स्ट, जो लास्ट वन स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. तो उसमें देखो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, इसी तरह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, और एक अनदर फॉर्मेट लिख सकते हैं,
वो हो गया तुम्हारा, यहाँ पे देखो मैं ऑलरेडी लिख कर रखा हूँ आप लोगों के लिए। सो सेकंड वन उसका क्या होगा कि डू नॉट प्लस डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रीवियसली फर्स्ट वन देखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव का डू डज, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा है, और एक नेक्स्ट में देखो कि डू नॉट और डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर कौन सा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो उसका कुछ एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैं रखा हूँ उसका एग्जांपल, कुछ लिख कर रखा हूँ कि देखो कि डज ही नॉट राइट, ओके डज ही नॉट राइट और डज नॉट ही राइट, ओके डू आई नॉट स्पीक और डू नॉट आई स्पीक, डू दे नॉट वर्क और डू नॉट दे वर्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और कुछ एग्जांपल्स। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ उसका यूजेस देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इन डिफरेंट सिचुएशन में कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है वही हम देखेंगे। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उसका जो प्रीवियसली, देखो यहाँ पे मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस में उसका फॉर्म क्या होगा। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, और ये जो चार ठो जो सेंटेंसेस है कि एफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को उसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहला वन एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वी वन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स एस और यस प्लस ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट वन इज योर नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डजंट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और थर्ड वन इज योर स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वो क्या होगा कि डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अनदर वे में हम देखेंगे तो उसका क्या फॉर्म होगा कि देखो ये वाला। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और अनदर वे यू मे राइट डू नॉट और डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया तुम्हारा चारों ठो सेंटेंसेस जो एफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का जो चारों ठो स्ट्रक्चर आप लोगों को पता चल चुका है। तो आई थिंक बहुत ईजी हो चुका है। तो नेक्स्ट देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूजेस होता है डिफरेंट सिचुएशन में कैसे यूज होता है। ओके, वही हम देखेंगे द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन डिफरेंट सिचुएशन। सो लेट्स आई विल स्टार्ट द फर्स्ट वन। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, ये कॉम्प्लीट नोट्स है आपके लिए क्योंकि दोज हू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओके फॉर देम इट विल बी मोर इफेक्टिव आई थिंक, वो बहुत ईजी होगा आप लोगों के लिए। तो देखो फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ यूज देखते हैं। ओके, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। ये हैबिचुअल एक्शन में कैसे यूज होता है वही हम देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल्स है आपके लिए। तो देखो फर्स्ट वन, राम ड्रिंक्स वाटर एट 5 AM एवरी डे। ओके, ये फर्स्ट सेंटेंस में देखो कि राम ड्रिंक्स वाटर एट 5 AM एवरी डे, ये हो गया तुम्हारा हैबिचुअल एक्शन। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। लुक एट द सेंटेंसेस। ओके, राम ड्रिंक्स वाटर एट 5 AM एवरी डे, ये हो गया तुम्हारा एक। तो ही गोज टू स्कूल एट 9 AM अनदर वन, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये वाला। एंड नेक्स्ट वन हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इन ए
यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक थियोरी। तो सेकेंड वाला देखो, फर्स्ट वन इज़ योर हैबिचुअल एक्शन, द सेकेंड वन इज़ योर यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक थियोरी। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक थियोरी में कैसे यूज होता है, तो देखो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिखा हूँ यहाँ पे कि द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ओके, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, इट्स मीन्स इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये साइंटिफिकली वो ट्रूथ है, साइंटिफिकली वो एक्सेप्टेड है। तो ये द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। नेक्स्ट वन इज योर, देखो यहाँ पे द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये जितना सारा एग्जाम्पल है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये साइंटिफिकली थ्योरिकली ये ट्रूथ है। तो इसीलिए हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन कहाँ पे, कि फर्स्ट वन इज़ योर हैबिचुअल एक्शन, सेकेंड वन इज़ योर यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक थ्योरी। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया तुम्हारा नंबर थ्री का, इंट्रोड्यूस कोटेशन। अगर कोई भी कोटेशन हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखो, ऑलरेडी रिटन देयर कि रा सेज दिस बुक इज टेरिफिक। यहाँ पे देखो कोटेशन मार्क में लिखा हूँ, ओके रा सेज दिस बुक इज टेरिफिक। हियर इंट्रोड्यूस है, कोटेशन इंट्रोड्यूस किया गया है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। ही सेज राइटिंग इज फॉर्म, ही सेज राइटिंग इज फॉर्म। तो इन दिस सेंटेंस ऑल्सो यू फाइंड सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का और एक यूज्ड वहाँ पे, फ्यूचर अरेंजमेंट और प्लान। द नेक्स्ट वन इज योर फ्यूचर अरेंजमेंट और प्लान। तो फ्यूचर अरेंजमेंट और प्लान में कैसे यूज होता है, ओके सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर अरेंजमेंट और प्लान में कैसे यूज होता है, उसका कुछ एग्जांपल है देखो वहाँ पे कि रंजीत अराइव्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टुमोरो। ओके, रंजीत अराइव्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टुमोरो। देखो ये फ्यूचर के बारे में इंडिकेट कर रहा है, ओके फ्यूचर के बारे में इंडिकेट कर रहा है, लेकिन वी हैव यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, वी हैव यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू इंडिकेट द फ्यूचर वन। ओके, टू इंडिकेट द फ्यूचर वन, रंजीत अराइज फ्रॉम न्यू दिल्ली टुमोरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि देखो अच्छे से देखो, फ्यूचर अरेंजमेंट और प्लान हुआ है। अगर यू हैव ऑलरेडी प्लान, ओके अगर यू हैव ऑलरेडी प्लान फॉर फ्यूचर, देयर यू कैन यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो लाइकवाइज हियर अनदर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ही गोज टू भुवनेश्वर नेक्स्ट फ्राइडे। ओके, ही गोज टू भुवनेश्वर नेक्स्ट फ्राइडे। यहाँ पे नेक्स्ट फ्राइडे इंडिकेट करता है फ्यूचर के बारे में, ओके इंडिकेट करता है फ्यूचर के बारे में, लेकिन हम यूज किए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, क्योंकि ये हमारा प्लान है, ये हमारा अरेंजमेंट है, ये हमारा प्रोग्राम है। सो फॉर फ्यूचर, ओके अरेंजमेंट और प्लान के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर फाइव की तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज। सो इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ओके अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में बिगिनिंग विद हियर एंड देयर, अगर हियर एंड देयर बिगिनिंग हुआ है, बिगिनिंग में क्या होगा कि हियर एंड देयर यूज हुआ है, तो आपको आसानी से मतलब यूज कर पाओगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो मैं लिखा यहाँ पे हियर कम्स रास, यहाँ पे हियर कम्स रास, देखो हियर कम्स रास, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, क्योंकि ये क्या है, ये एक तुम्हारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एग्जांपल है। लेकिन ओके यहाँ पे मतलब वर्ड यूज हुआ है हियर हियर देयर, तो अगर हियर हियर देयर कुछ लगा हुआ तो मतलब यू हैव टू पुट सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो सेकंड में हियर ही प्रेज, ओके देयर सी राइट्स, ओके इसी तरह का अगर कोई भी सेंटेंस आपके मतलब सामने आ रहा है एग्जाम में, तो क्या कर पाओगे कि मतलब यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, यू हैव टू यूज डायरेक्टली, आप क्या करोगे कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करोगे। तो नेक्स्ट देखो
सिंपल प्रेजेंट टेंस का और एक मतलब यूज्ड देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स और कमेंट्रीज। ओके, कमेंट्रीज यहाँ पे कमेंट्रीज और ब्रॉडकास्टिंग। ओके, कमेंट्रीज और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट में आप लोग क्रिकेट देखते होंगे शायद, जो लोग मतलब क्रिकेट देखते हैं वो लोगों के लिए तो मतलब बहुत ईजी होगा कि वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो कि सुरेश रैना पासेस द बॉल टू विराट कोहली। ओके, सुरेश रैना पासेस द बॉल टू विराट कोहली, यहाँ पे क्या हुआ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ। ओके, अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, देखो कि सचिन हिट्स ए सिक्स। ओके, यहाँ पे देखो सचिन हिट्स ए सिक्स, ये हो गया तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये ब्रॉडकास्टिंग है, ये ब्रॉडकास्टिंग स्पोर्ट्स इवेंट के लिए, तो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं और कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। तो यहाँ पे देखो कि मैं लिखा हूँ यहाँ पे कि व्हेन द मेन वर्ब इज इन फ्यूचर इन क्लॉजेस ऑफ टाइम बिगिनिंग विद एज, टिल, व्हेन, इफ, एज सून एज, अनलेस, बिफोर, अनटिल, इन केस, इवेंट इफ। अगर ये सारा चीज़ अगर ये मैं फिर से मैं राउंड अप कर रहा हूँ, देखो यहीं पे अगर व्हेन द मेन वर्ब, ओके मेन वर्ब इज इन फ्यूचर इन क्लॉजेस ऑफ टाइम बिगिनिंग विद एज, टिल, व्हेन, इफ, एज सून एज, अनलेस, बिफोर, अनटिल, इन केस, इवेंट इफ, अगर ये वर्ड सेंटेंस में लगा हुआ है तो आपको क्या यूज़ करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन द मेन वर्ब इज इन फ्यूचर। अगर मेन वर्ब फ्यूचर के बारे में इंडिकेट्स कर रहा है तो इन क्लॉजेस ऑफ टाइम, अगर क्लॉजेस ऑफ टाइम में क्या यूज़ कर सकते हो बिगिनिंग में, अगर एज, टिल, व्हेन है और ये सारा इतना सारा वर्ड्स है तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, ही विल वेट टिल यू राइट योर कॉपी, ही विल वेट, ये देखो ये मेन वर्ब में क्या है, ये फ्यूचर है, टिल लगा हुआ है, तो यू राइट योर कॉपी, यू राइट योर कॉपी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। तो आई शैल नॉट गो होम इफ इट रेन्स, यहाँ पे देखो आई शैल नॉट गो होम इफ इट रेन्स, यहाँ पे इट रेन के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। तो अनलेस हरी वर्क्स हार्ड ही विल, देखो ही विल नॉट पास, ओके ही विल नॉट पास, तो ये भी सेंटेंस है, मतलब यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं और एक एग्जांपल लेंगे, व्हेन शी कम्स आई शैल गो विथ हिम, यहाँ पे देखो व्हेन शी कम्स आई शैल गो विथ हिम, ये सेंटेंस में भी फ्यूचर के बारे में, मतलब फ्यूचर मेन वर्ब फ्यूचर के बारे में है और इसके बाद क्या है कि यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो नेक्स्ट देखो, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इन प्रोवर्ब्स, अगर प्रोवर्ब्स में है तो वहाँ पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। देखो एवरीथिंग कम्स टू हिम हु वेट्स, ओके एवरीथिंग कम्स टू हिम हु वेट्स, अगर जो लोग वेट्स करते हैं उनके पास सब कुछ आ ही जाता है। तो इस तरह जो प्रोवर्ब होता है मतलब ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये भी एक प्रोवर्ब है। देखो ए लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट्स, ये भी एक प्रोवर्ब है, और ए स्टिच इन टाइम सेव नाइन, ये भी एक प्रोवर्ब है। तो जितना सारा प्रोवर्ब है, ओके जितना सारा प्रोवर्ब है वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। तो देखो और नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस टू फेयर यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके हम लोग एग्जांपल के साथ डिस्कस कर चुके हैं इस क्लास में, तो शायद आपको समझ में आ चुका है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पे यूज करना होगा। तो आई थिंक अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करो एंड गेट कनेक्ट विथ माय वीडियोस एंड आल्सो विथ माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ओके एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।